दोस्तों मल मास शुरू हो चुका है, यदि इस महीने में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय किए जाएं, तो हर व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो सकती है। आज आचार्य जी बताएंगे कि इस मल मास में आप क्या खास उपाय करें और साथ ही आपको बताएंगे आज का राशिफल। तो फिर शुरू करते हैं आपके सितारे। मल मास में होगी हर मनोकामना पूरी, भगवान विष्णु को कीजिए प्रसन्न। जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से कैसे करें मलमास के अचूक उपाय। तो आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा। आचार्य जी आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। ये बिल्कुल आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2072 मास चल रहा है आषाढ़ का और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि है। मंगलवार का दिन है, नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी, योग है सिद्धि और करण है गर्भ। और चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल, आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपकी भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ने के संयोग आपके लिए बन रहे हैं। आपके कार्य व्यापार में कारोबार में वृद्धि विस्तार होगा और कोई नया कार्य प्रारंभ करने की जो आप काफी समय से योजना बना रहे थे, अब कहीं ना कहीं से उस योजना को कोई गति मिल जाए, ऐसे लक्षण बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्थूल तुंडाई नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आपको बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में वाहन आदि का सुख आप प्राप्त कर सकते हैं और आपके कुछ नए संपर्क बनेंगे। सामाजिक संपर्क का आपको बहुत अच्छा आने वाले समय में लाभ मिल सकता है। अपना घर बनाने का जो सपना आप काफी समय से देख रहे थे, अब ऐसी स्थिति बनेगी कि आपका यह सपना साकार हो सकता है। आज की दिनचर्या में कोई सफल यात्रा करने की स्थिति भी आपके लिए बनेगी। इस यात्रा में आपको हर प्रकार से लाभ मिले, आपके लिए परिस्थितियां ऐसी बनती हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्थूल कंठाई नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। संपत्ति या उसके अलावा अन्यथा कहीं निवेश की योजना हो तो उससे अभी बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में खासतौर पर विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अनुकूल कहा जा सकता है। देश विदेश का भ्रमण करने की स्थिति बनेगी। चोट चपेट एक्सीडेंट दुर्घटना आदि का भय आपके लिए रहेगा। साथ ही साथ पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़े, परिवार से संबंधित कोई बड़ा खर्च आपके ऊपर आ जाए, ऐसी स्थिति भी आपके लिए बनती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्तुति हर्षिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। व्यापार में साझेदारी करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले आज क्या उपाय करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको यश और कीर्ति दोनों की प्राप्ति हो, ऐसे लक्षण बनते हैं। आज किस्मत का साथ आपके साथ बना हुआ है। आज की दिनचर्या में आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना बहुत ज्यादा आवश्यक होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्कंदा ग्रजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आपको यात्रा करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वालों का आज का राशिफल। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपका दिन सामान्य रहने वाला है। यात्राएं कुछ अधिक रहने वाली हैं। परिवर्तन बदलाव या तबादले की स्थिति का सामना आज करना पड़ सकता है, स्थानांतरण की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ पारिवारिक व्यय बढ़े, ऐसे भी लक्षण आपके लिए बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सौम्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। शेयर बाजार में निवेश की योजना हो तो अभी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वाले आज क्या उपाय करें।
कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए खास तौर पर आज चीजें आपके हिसाब से ही चलने वाली हैं। जैसा आप चाहते थे परिस्थितियां वैसी आपके पक्ष में होती जाएंगी। किसी विषय पर लोग आपकी राय जानने का प्रयास कर सकते हैं, तो अपने विचार व्यक्त करने से पहले उस विषय पर अच्छे से चिंतन मनन करके ही अपनी राय देनी चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सोम सूर्याग्नि लोचनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। निवेश के लिहाज से आज का दिन और परिस्थिति आपके पक्ष में नहीं बनता है, तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। और अब जान लेते हैं तुला राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में भाग्य का साथ आपके साथ बना हुआ है। आपकी कोई बहुत समय से अधूरी जो मनोकामना थी वो भी आज पूर्ण हो सकती है, और साथ ही साथ धन लाभ, आर्थिक लाभ बहुत अच्छी मात्रा में मिले, ऐसे संयोग भी आपके लिए बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सिद्धिदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। धन का व्यय करने से बचना चाहिए। चलिए तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपकी प्रगति के, आपके तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। कुछ पुराने संबंधों के कारण जो है आज थोड़ा सा तनाव बन सकता है आपके लिए, या यूं कहा जाए कि आपके कुछ पुराने संबंधी तनाव का बहुत बड़ा कारण आज बन सकते हैं। उनके कारण कुछ वाद विवाद की स्थिति सामने आ सकती है, तो थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सिद्धार्जित पादाम्बुजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण किसी भी परिस्थिति में आपको नहीं खोना चाहिए। और अब जान लेते हैं धनु राशि वाले आज क्या उपाय करें। धनु राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए। आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, आप अस्वस्थ हो सकते हैं, ऐसे लक्षण आपके लिए बन रहे हैं, और परिस्थितियां ऐसी बनेंगी जिसके कारण आपको चिंता और मानसिक कष्ट, मानसिक तनाव अचानक से बढ़ जाएगा, और कोई अचानक पारिवारिक जिम्मेदारी या कोई व्यापारिक परेशानी सामने आकर के खड़ी हो जाए, परेशान करने वाली स्थिति बन जाए, ऐसे संयोग आपके लिए बनते हैं। तो आज की दिनचर्या में आपको बहुत सचेत, बहुत अलर्ट रहने की आवश्यकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए दिनचर्या में आ रही सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए चंडी कवच या देवी कवच का आपको पाठ करना चाहिए, और किसी भी परिस्थिति में धैर्य का साथ आप ना खोइए। और चलिए अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपकी आर्थिक स्थिति उत्तम रहने वाली है। लाभ वृद्धि में मित्रों और यात्राओं की भूमिका बहुत अहम रहने वाली है, यानी आज आप जो आर्थिक लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं उसमें यात्राओं की भूमिका होगी। कोई अच्छी यात्रा हो जिसमें आपको बड़ी इनकम हो जाए, और आपके दोस्तों मित्रों का सहयोग, आपके मित्रों की भूमिका जो है उस आपके लाभ में कहीं बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्थूल कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश की योजना हो तो उससे बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, ऐसे लक्षण बनते हैं। आज आप अपने आसपास की चीजों को अपने हिसाब से बदलने का प्रयास कर सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्रीजनहर्ता गणपति स्त्रोत का पाठ आपको करना चाहिए, और घर आए हुए किसी भी व्यक्ति या आगंतुक अतिथि को खाली हाथ आप विदा ना करें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि वालों का आज का राशिफल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको अपनी कामयाबी का, अपनी सफलता का रास्ता, उसका मार्ग आपको प्राप्त हो सकता है। आज का दिन काम करने और लाभ में वृद्धि प्राप्त करने का दिन है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्थूल तुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आपको बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि आज का महा उपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे सरल और चमत्कारी उपाय जिन्हें आप मलमास में यानी पुरुषोत्तम मास में प्रयोग में लेकर के उसका लाभ ले सकते हैं। ये उपाय जितने सरल हैं, जितने लाभकारी हैं, उसका असर, उसका प्रभाव, उसका चमत्कार जो है उतना ही प्रभावशाली है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से आप इन महीने का लाभ ले सकते हैं इन सरल उपायों से। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार मलमास का यानी पुरुषोत्तम मास का महीना भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय महीना है।
इसलिए उन्होंने मलमास को अपना नाम पुरुषोत्तम मास दे दिया, उन्होंने अपना नाम इसीलिए इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि इस महीने में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष और सरल उपाय किए जाए तो किसी भी व्यक्ति की कोई भी मनोकामना हो वो पूरी हो सकती है। आज मैं आपको मलमास में किए जाने वाले कुछ सरल उपायों के बारे में बताने जा रहा हूं जो इस प्रकार से है, आइए जानते हैं। पुरुषोत्तम मास में यानी मलमास में रोज शाम के समय में तुलसी के पौधे के सामने गाय के शुद्ध घी का दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए और दीपक जलाने के बाद ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी देवी की 11 परिक्रमा आप करें। इस उपाय से घर में सुख शांति निरंतर बनी रहती है और किसी भी प्रकार का कोई संकट आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर नहीं आता। दूसरा उपाय ये कि मलमास में रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके किसी भी पवित्र नदी में, कुंड या सरोवर में या तीर्थ में आपको स्नान करना चाहिए। इससे भी जीवन के सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इसके बाद विधि पूर्वक गायत्री मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। स्त्रियों के लिए यह स्नान उनके पति को लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य देने वाला बताया गया है। तीसरा उपाय यह है कि यदि आप धन की इच्छा रखते हैं तो मलमास में यानी अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में किसी भी दिन घर के आसपास स्थित किसी विष्णु मंदिर में आप जाएं और भगवान विष्णु को सफेद या पीला मिष्ठान या फिर अपने हाथ से दूध और चावल और मेवे का प्रयोग करके खीर बना लें। इस खीर में तुलसी के पत्ते यानी तुलसी दल आप अवश्य डाल करके इसका भोग आप भगवान विष्णु को लगाएं। इससे भगवान विष्णु बहुत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। चौथा उपाय यह है कि भगवान विष्णु को पीताम्बरधारी भी कहा गया है, जिसका अर्थ यह है कि पीले रंग के वस्त्र धारण करने वाला। मलमास में आप पीले रंग के कपड़े, पीले रंग के वस्त्र, फल व पीला अनाज, पीला भोग भगवान विष्णु को आप समर्पित करें। इसके बाद ये सभी वस्तुएं गरीबों को, जरूरतमंदों को या फिर ब्राह्मण देवता को दान में दे दें। ऐसा करने से भी भगवान विष्णु की कृपा आप पर निरंतर बनी रहेगी। पांचवा उपाय यह है कि मलमास में आने वाली एकादशी तिथि को भगवान विष्णु को केसर मिले दूध से आप उस तिथि में अभिषेक करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी आपके ऊपर प्रसन्न होंगी और साधक की हर मनोकामना पूरी होने के लिए वह कृपा और आशीर्वाद निरंतर बरसाती रहेंगी। छठा उपाय यह है कि यदि आप निरंतर कर्ज की स्थिति में फंसते जा रहे हैं तो मलमास में रोज किसी पीपल के वृक्ष को आप जल समर्पित करें, जल का अर्घ दें और संध्या के समय में वहां पर सरसों के तेल का दीपक जला करके आइए। पीपल में भगवान विष्णु का निवास माना गया है 33 कोटि यानी 33 प्रकार देवी देवताओं के साथ। इस उपाय से जल्द ही आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं। ये बहुत माना हुआ उपाय है, खासतौर पर मलमास में इसका लाभ अवश्य लेना चाहिए। सातवां उपाय है कि मलमास में रोज दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके भगवान श्री विष्णु का अभिषेक आपको इससे जरूर करना चाहिए। इस उपाय से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी दोनों ही प्रसन्न होते हैं और जातक पर, साधक पर अपनी कृपा निरंतर बरसाते रहते हैं। आठवां उपाय यह है कि धन की कामना रखने वाले व्यक्ति को पुरुषोत्तम मास में जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस मंत्र का जाप आपको कम से कम 5 माला नित्य प्रति करना चाहिए। यह मंत्र है ओम रिंग एं क्लीं श्रीं। मंत्र पुनः सुन लीजिए, ओम रिंग एं क्लीं श्रीं। 5 माला जाप कर लेने के बाद मलमास में आने वाली जो एकादशी तिथि होती है उस तिथि पर किसी ब्राह्मण को बुला करके आप भोजन इत्यादि करा करके उसे वस्त्र, दक्षिणा इत्यादि अन्न के साथ आप भेंट स्वरूप प्रदान करें। इससे आपको अपने जीवन में चमत्कारी लाभ प्राप्त होगा। नौवां उपाय यह है कि अधिक मास में आने वाली एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए और पूजा करते समय कुछ धन यानी कुछ पैसे भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के समीप आप चढ़ा दें। पूजन पूर्ण हो जाने के उपरांत यानी पूजा कर लेने के उपरांत इस धन को, इस पैसे को उठा करके आप अलग अलग थोड़ा थोड़ा अपने पर्स में, अपने कैश में, अपने धन रखने के स्थान में आप रखें। इससे धन लाभ होने की संभावना बनती है और आर्थिक नुकसान की जो स्थिति है उस पर जो है लगाम लग जाती है। दसवां उपाय यह है कि यदि आपकी आमदनी निरंतर प्रयास करने के बावजूद भी नहीं बढ़ रही है या आपकी नौकरी में आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आप टैलेंटेड हैं, आपका प्रमोशन ड्यू हुआ पड़ा है, तो ऐसे में मलमास में किसी भी दिन 7 कन्याओं को अपने घर पर बुला करके आपको भोजन कराना चाहिए। भोजन में कुछ मीठा यानी खीर का होना, अगर खीर हो जाए अपने हाथों से बनी हुई तो बहुत उत्तम होता है। कुछ मीठा का होना बहुत ही आवश्यक होता है। कुछ ही दिनों में आप अनुभव करेंगे कि आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है।
इसके बाद 11वां उपाय यह है कि मलमास में किसी भी दिन एक नारियल और थोड़े से मेवे वाले बादाम को लेकर के भगवान विष्णु के मंदिर में आप चले जाएं, भगवान श्री हरि के चरणों में इसे आप समर्पित करें। इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो बाधाएं दूर होंगी, जीवन के हर प्रकार के सुख आप प्राप्त कर सकते हैं और आपके जो रुके हुए कार्य थे, जो अटके हुए बाधित कार्य थे, उनमें गति आ जाएगी, वह कार्य सिद्ध होने लगेंगे। इसके बाद 12वां उपाय यह है कि मलमास मेला में पिंडदान करने से आपके पितरों को मुक्ति मिलती है। अधिक मास के दौरान तीर्थ में स्नान करना, दान और भगवान विष्णु की पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप कट जाते हैं और वह स्वर्ग का वास का भागी बनता है। इस महीने में पितरों के निमित्त पिंडदान करने की भी परंपरा हमारे धर्मशास्त्रों में है। किसी भी महीने में मृत्यु होने पर अगर आप अपने घर के आसपास जो भी तीर्थ स्थान है वहां जाकर के पिंडदान करते हैं या तीर्थ में जाकर के पिंडदान करते हैं, जैसे काशी और गया जैसे विशेष तीर्थ हैं, तो ऐसे में पिंडदान करने से आपके पितरों को मोक्ष मिलता है, उनकी मुक्ति मिल जाती है और वो आपके ऊपर अपनी कृपा निरंतर बरसाते रहते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रमुख सरल से उपाय हैं जिन्हें आप करके अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं। मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताई थी कि इस पुरुषोत्तम मास में भागवत श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना, श्रवण करना, उसके साथ साथ मालपुआ, केला और तांबे का पात्र कुछ दक्षिणा और धार्मिक पुस्तक के साथ किसी ब्राह्मण को दान करना बहुत विशेष महात्म रखता है। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं नितिन कानपुर से। जी नितिन बताएं, क्या सवाल है आपका? हाँ पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24 जुलाई 1976। जी। समय है 11:45 का। जी। और कानपुर का जन्म है जी। जी सर, मेरा प्रश्न ये है कि मेरे गवर्नमेंट जॉब करता था सर, तो मैं 16 साल हो गए मेरी जॉब को, लेकिन अभी आके मैं 4-5 महीने पहले मेरी जॉब चली गई है और सर मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी जॉब न होने के कारण मैं पूरा स्ट्रेस हो गया, मेरी बहुत डिस्टर्ब हो गया हूँ सर। जी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप एकदम शांतचित्त रहें। आप मुझे जन्म का समय एक बार फिर से दोहराइए और दिन है या रात है ये जरूर बताइए। सर ये 11:45 दिन का। जी जन्म का स्थान भी बता दें। कानपुर नगर सर। जी देखिए, आपके जन पत्रिका के अनुसार शनि की महादशा में बुध की अंतरदशा चल रही है, आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं देख सकता हूं कि थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति है, लेकिन आपकी कुंडली में सफलता के रास्ते भी दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा सा आप उपाय कर लें, आपको उचित मार्गदर्शन मिल जाए तो बहुत अच्छा भाग्योदय भी इस दौरान हो सकता है, क्योंकि बुध की अंतरदशा और प्रत्यंतरदशा और बुध आपके लिए भाग्येश बनते हैं, कर्म स्थान में बैठे हुए अपने आप में बहुत अच्छा संयोग है। आपको करना यह है कि आप शिव परिवार की पूजा आराधना करें। शिव परिवार की पूजा करने में आपको लाभ ये मिलेगा कि जब आप महादेव शिव और माता पार्वती की पूजा करेंगे तो शनि दोषों के दुष्प्रभावों में शांति मिल जाएगी, जिसकी महादशा है। जब आप भगवान गणेश की पूजा आराधना करेंगे, नंदी देवता की पूजा आराधना करेंगे, तो बुध से संबंधित जो कष्ट है उसमें आपको फायदा मिलेगा, और भगवान कार्तिकेय की पूजा आराधना करने से बृहस्पति की शांति होती है। तो इस प्रकार से आपको शिव परिवार की पूजा आराधना करनी है, जीवन में उत्थान और सफलता आपको अवश्य मिलेगी। आशीष अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी आशीष बताएं, क्या सवाल है आपका? नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 सितंबर 1990। जी मेरा स्थान है बीकानेर और समय है रात को 12:15 AM। जी मेरा प्रश्न है कि मेरी सरकारी नौकरी की योग कब तक है, कब तक सरकारी नौकरी लगेगी? देखिए सरकारी नौकरी के योग आपकी कुंडली में बहुत सुंदर बन रहे हैं, लेकिन उसमें एक ग्रहण भी बन रहा है, बृहस्पति की महादशा अभी आपके लिए आरंभ ही हुई है। बृहस्पति की महादशा, अंतर और प्रत्यंतर तीनों बृहस्पति का बहुत अच्छा संयोग है। बृहस्पति आपकी कुंडली में सप्तमेश भी हैं और उसके साथ साथ कर्मेश भी हैं, तो सरकारी नौकरी के लिए इससे अच्छा संयोग नहीं चाहिए। सूर्य मंगल भी अपनी अपनी स्थिति में बहुत अच्छा संयोग बना करके बैठ रहे हैं, लेकिन कष्ट की स्थिति है कि बृहस्पति उच्च का होते हुए भी केतु के साथ ग्रहण योग बना करके बैठ गया है, जिसे हम लोग बार बार इस योग के बारे में अपने शो के माध्यम से चर्चा करते हैं। ये एक ऐसा योग है कि कुंडली में सारे राजयोग होने के बावजूद भी उन पर ताला लगा देता है। राहु केतु का जो ग्रहण योग है बृहस्पति के इतने सुंदर राजयोग को भी यह नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है। तो सबसे पहला काम आपको करना है
कि आप पितृ दोषों का निदान करें, क्योंकि ये जो चांडाल योग है ये पितृ दोष को भी बताता है। पितृ दोष का निदान करना चाहिए और बृहस्पति उच्च का होने के बावजूद भी आपको बृहस्पति, राहु और केतु इन तीन ग्रहों के वैदिक मंत्रों का जाप कराना है। राहु केतु का जाप कराने से जो ग्रहण योग है, जो उनकी नाराजगी है, वह समाप्त होगी और बृहस्पति का जाप कराने से उसमें उनके शुभत्व में वृद्धि होगी, आपको फायदा मिल जाएगा। तो इसी के साथ आपके सितारे में आज इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। जय हरी।